और सदरे पाकिस्तान सबका जो है उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी। आमतौर पे वो ऐसी बात करते नहीं है। अभी तक हमें याद है एक बड़े मुश्किल वक्त के अंदर जो पाकिस्तान खप्पे का उन्होंने आवाज उठाई थी, हमें आज तक वो याद है। लेकिन उस दिन उन्होंने एक ऐसी बात की, क्योंकि पाकिस्तान की पार्लियामान में बात हुई और एक साबिक सदर बात कर रहा था, तो इसलिए तारीख के लिए हमारे नौजवान नस्ल के लिए कि उनको अपने मुल्क की तारीख पता हो, ये जरूरी है कि उस रिकॉर्ड को दुरुस्त किया जाए। उन्होंने उस दिन कहा, वो मुखातिब थे महाजरों से, उन्होंने कहा कि आप तो इमिग्रेशन करके आए हैं और आप तो वहां से भगाए गए थे, इसलिए आप यहां पे आए, हमने पनाह दी आपको, और आपने तो पाकिस्तान नहीं बनाया। तो मैं जरा रिकॉर्ड दुरुस्त करना चाहता हूं। 1938 के अंदर इलेक्शन होता है, कांग्रेस ज्यादातर सीटें जीत जाती हैं, मुस्लिम लीग का दावा यह है, कायदे आजम का दावा यह है कि मुसलमानों की तर्जुमानी मुस्लिम लीग करती है, मोहम्मद अली जिना करते हैं, कायदे आजम करते हैं। इलेक्शन का रिजल्ट सामने दिखाया जाता है, वहां तो कांग्रेस सीटें जीत के बैठी हुई है, तो हल कैसे निकलेगा? पहले से बात हुई, हम आपको दूसरी जंगे अजीम के अंदर मदद करेंगे, मुसलमान मदद करेंगे, लेकिन आपने उसके बाद मौका देना है एक जमहूरी तरीके से यह फैसला करने का कि क्या पाकिस्तान बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। 1945 में स्पीकर साहब इलेक्शन होते हैं सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के, 30 नशिस्तें मखसूस मुसलमानों के लिए, 30 की 30 सीटें पूरे बर्रे सगीर के अंदर, जहां जहां इलेक्शन हुआ गैर मुल्क से, भारत के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर तमाम सीटें मुस्लिम लीग जीतती है। सूबाई असेंबली, मैं जरा पढ़ के फहरिस्त बताना चाहता हूं ताकि तारीख में यह रिकॉर्ड पे रह जाए कि पाकिस्तान किसकी वजह से बना। वो सूबे जो आजकल पाकिस्तान का हिस्सा है, मुस्लिम सीटें पंजाब में 86 थी, 74 मुस्लिम लीग ने जीती, सिंध में 34 थी, 28 सीटें मुस्लिम लीग ने जीती, एनडब्ल्यूएफपी में 38 सीटें थी, 17 सीटें मुस्लिम लीग ने जीती, 158 मुस्लिम सीटों में से 100 सीटें मुस्लिम लीग ने जीती, जो 76% थी। अब जरा देखते हैं वो लोग जिनको कहते हैं आपने पाकिस्तान बनाया नहीं, जिनको कहते हैं कि तुम भाग के वहां से आए थे, भगाए गए थे, उन्होंने क्या किया। बंगाल 119 में से 113 मुस्लिम सीटें मुस्लिम लीग की, असम 34 में से 33 सीटें, यूपी 66 में से 54 सीटें, बॉम्बे 30 में से 30 सीटें, मद्रास 29 में से 29 सीटें, सीपी 14 में से 13 सीटें, उड़ीसा 4 में से 4 सीट, और बिहार 40 में से 34 सीटें। 336 सीटें थी उन सूबों में जो आज पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, 310 यानी 92% सीटें जो हैं उन्होंने मुस्लिम लीग को दिलाई। जब ये इलेक्शन के रिजल्ट आए तो उसके बाद अंग्रेज को मानना पड़ा कि वाहिद तर्जुमान मुसलमानों का मोहम्मद अली जिन्ना है और मुस्लिम लीग वाहिद नुमाइंदा जमात है। यह वो इलेक्शन का रिजल्ट है जिससे आज पाकिस्तान बना, और हमें नहीं भूलना चाहिए उन लोगों का कर्ज जिन्होंने ये वोट डालकर हमें पाकिस्तान बनाने में मदद की, और आज हम सुकून की जिंदगी गुजारते हैं। हमें कोई सड़क पर रोक के ये नहीं कहता कि जय श्री राम के नारे लगाओ वरना तुम्हें जान से मार देंगे, या ट्रक एक जगह से दूसरी जगह गोश्त ले जाते हुए कत्ल नहीं कर दिया जाता कि तुमने गौ माता को कत्ल किया है। ये जो सुकून की जिंदगी गुजार रहे हैं, खुदा का वास्ता मेरी इल्तजा है, आपस में सियासी जितना मर्जी मुकाबला करें, भरपूर मुकाबला करें, लोगों को तकसीम ना करें, जुबान की बुनियाद पर तकसीम ना करें, फिरके की बुनियाद के ऊपर तकसीम ना करें। दुश्मन की आंख में खून उतरा हुआ है, वो एक गलत सोच लेकर निकला हुआ है। इस वक्त पाकिस्तान को मुतहद होने की जरूरत है, सियासी मुकाबला जितना करें, खुदा का वास्ता पाकिस्तानियों को तकसीम ना करें, ताकि हम भी आपके साथ मिलकर, आखिरी बार, ताकि हम भी आपके साथ मिलकर नारा लगाएं, सिंध जिए, सिंधवारा जिए, जीवे जीवे पाकिस्तान।